नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने शो आज का यूपी लेकर, जिसमें हैं आपके सरोकार की खबरें। आज बात होगी बलिया में मारे गए पत्रकार रतन सिंह के बारे में और उस पर हो रही सियासत की, साथ साथ कानपुर में लव जिहाद के मामले में एसआईटी से हो रही जांच की। चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। हिंदू देवी देवताओं को धड़ल्ले से गालियां देने वाली हीर खान को आज प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें हीर खान नाम की एक लड़की हिंदू देवी देवताओं को धारा प्रवाह गालियां बक रही थी। इसके बाद कई लोगों ने इसकी शिकायत अलग अलग जगहों पर करनी शुरू की। प्रयागराज में एक FIR दर्ज हुई और एक FIR लखनऊ में दर्ज हुई, लेकिन FIR दर्ज होने के कुछ देर बाद ही हीर खान को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। हीर खान खुद को ब्लॉगर और यूट्यूबर बताती है, लेकिन आज यूट्यूब पर एक बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो उसने पोस्ट किया था और हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कानपुर में पहली बार लव जिहाद को लेकर एक SIT का गठन किया गया है। यह SIT कानपुर रेंज के IG ने गठित की है, क्योंकि कानपुर शहर के एक जूहीलाल कॉलोनी में एक लड़की के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने के बाद वो मामला सुर्खियों में आ गया। शालिनी यादव नाम की एक लड़की फैसल के साथ पिछले कई दिनों से फरार है और बकायदा फेसबुक पर उसने फैसल के साथ धर्म बदल कर शादी करने की बात कही है और लगातार अपने परिवार वालों को कह रही है कि वो उसे अकेला छोड़ दें। वो अपना धर्म बदल चुकी है और उसका नाम अब फिजा है। परिवार के लोग इस बात से खफा हैं कि उसकी लड़की को भगा कर ले जाया गया, लेकिन लव जिहाद पर SIT की बात तब आई जब इसी जूहीलाल कॉलोनी के कई परिवार सामने आए। इस परिवार के लोगों ने कहा कि इस कॉलोनी की 5 लड़कियों को अब तक बहला फुसला कर, जबरन धर्म परिवर्तन कर उन्हें दूसरे समुदाय में न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उनसे शादियां भी की गई हैं। 4 परिवार के लोगों ने बकायदा मोहित अग्रवाल को एप्लीकेशन दिया कि उनके इलाके में ये तथाकथित तौर पर लव जिहाद चल रहा है। लड़के लड़कियों को जानबूझकर फंसाते हैं, उनसे निकाह करते हैं और फिर उनका धर्म बदल दे रहे हैं। एक के बाद एक कई कंप्लेन आने के बाद से पहली बार लव जिहाद के मामले में IG के स्तर पर एक SIT गठित की गई है। हालांकि आपको बता दें कि शालिनी यादव और फैसल के मामले में दोनों बालिग बताए जाते हैं। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की दबाव में है, लड़की से पैसे लेकर फैसल भागा है और फिर उस पर दबाव बना रहा है। अब तक ये बात सामने आ रही है कि इस मामले में इस कॉलोनी की कई लड़कियां गायब हैं और अपना धर्म बदल कर शादी कर चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस मामले के खुलने के बाद, SIT भी गठित होने के बाद क्या कार्रवाई हो पाती है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बरेली की रहने वाली साक्षी मिश्रा, जो कि BJP विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की विधायक की बेटी हैं, इस बार फिर चर्चा में हैं। एक साल पहले एक दलित लड़के के साथ भागकर शादी करने के मामले में वो चर्चा में आई थीं, जिसमें उनके पिता उनके इस कदम से कतई सहमत नहीं थे, लेकिन अब वो एक नए तरीके से चर्चा में आई हैं। इस बार साक्षी मिश्रा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अपनी मंशा जाहिर की है और अखिलेश यादव से मिलकर वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं। साक्षी मिश्रा ने बताया कि वो अखिलेश यादव के काम से बेहद प्रभावित रही हैं और वो चाहती हैं कि वो पार्टी के लिए पार्टी से जुड़कर काम कर सकें। बकायदा इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने का वक्त भी मांगा है। लेकिन खास बात ये कि पप्पू भरतौल बरेली में BJP के स्तंभ माने जाते हैं और उनकी बेटी ने न सिर्फ पिछले साल विद्रोह करके एक दलित लड़के से शादी की थी, बल्कि पप्पू भरतौल चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए और अब
वो एक नई सियासी पारी शुरू करना चाहती हैं। देखना यह है कि साक्षी मिश्रा का ये कदम और कितना हड़कंप राजनीति में पैदा करता है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। सोमवार रात बलिया के फेफना इलाके में एक टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने रतन सिंह को दौड़ाकर डंडों से मारा और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। परिवार वालों ने FIR में 10 लोगों को नामजद किया, जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 4 लोग अब भी फरार हैं। बलिया पुलिस ने इसे आपसी रंजिश करार दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि इस घटना का संबंध जमीनी विवाद से है, जबकि पत्रकारिता से इसका कोई संबंध नहीं है। इस पर कई सवाल भी खड़े हुए। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया है और उन्होंने इस घटना के साथ साथ हाल में उत्तर प्रदेश में हुई तमाम आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए एक ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। यूपी पुलिस ने बकायदा उस ट्वीट का जवाब दिया है और हर घटना के बारे में लिखकर बताया भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब इस मामले पर सियासी तूल पकड़ना दिखाई ही दे रहा है। निश्चित तौर पर सभी दलों ने इस घटना के बाद से योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने भी आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पत्रकार हत्याकांड के बाद से योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर ये घटना ऐसी है जिस पर सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि मुआवजे के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मारे गए पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घिर रहा है। हालांकि सरकार ने हाल में जो आंकड़े पेश किए थे, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को कम बताया था। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। वाराणसी के 2 पदनाम ऐसे हैं जिन्हें लोग सदियों से जानते रहे हैं, एक काशी नरेश और दूसरा वाराणसी के डोम राजा। मणिकर्णिका घाट के प्रमुख डोम राजा को लोग पीढ़ियों से जानते हैं। फिलहाल के डोम राजा जगदीश चौधरी का आज निधन हो गया। जगदीश चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रस्तावकों में भी एक थे। वो लंबे समय से बीमार थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन वाराणसी में इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर अंत्येष्टि करने से मोक्ष मिलता है और कोई जाने या न जाने डोम राजा को बहुत ही ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त था। उनकी आज दुखद मृत्यु हो गई। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी है। आज लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO और एडिशनल CMO दोनों कोरोना संक्रमित हो गए। इससे पहले लखनऊ के KGMU के तमाम बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस समय लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर है और हर दिन तकरीबन 5,000 से के आसपास लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है हमारा आज का कोरोना मीटर, कितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए और कितने ठीक होकर अपने घरों को गए। तो उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अहम खबरों के साथ आज का यूपी लेकर, लेकिन तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।